नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज झाझा की जनता को, जमुई की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात मिली। जी हां, झाझा में कोई भी जो ऑक्सीजन का वेंडर नहीं था, जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका कोई वेंडर नहीं था। तमाम जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में SDM प्रतिभा रानी के सौजन्य से, साथ ही साथ सिविल सर्जन जमुई के सौजन्य से, ड्रग इंस्पेक्टर के सौजन्य से, और थोड़ी सी कोशिश मैंने भी की, इन तमाम कोशिशों ने रंग लाई। या खुदरा व्यापार संघ समाज से भी गौरव सिंह राठौर भी थोड़ा सा पहल करने के कारण आज संजय माथुरी, जो बस स्टैंड के रहने वाले हैं, उनको बिहार सरकार ने अब मेडिकल ऑक्सीजन का लाइसेंस दिया है। कोई भी व्यक्ति अब बिना ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेगा। संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास 100 खाली टंकियां, अभी 50 टंकियां ऑक्सीजन की भरी हुई हैं। अभी जहां लोग ऑक्सीजन टंकी के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, ऑक्सीजन की टंकियां कई जगहों पर नहीं मिल पा रही हैं, कई लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। ऐसे में संजय माथुरी ने कहा, जो सरकार का रेट तय किया गया उसी सरकारी दर पर हम आम जनता को ऑक्सीजन की टंकी देने का काम करेंगे। देखिए दर्शकों, समाज सेवक बहुत हैं, लेकिन जो सही वक्त पर सही समाज की सेवा करता है वही अच्छा और सच्चा समाज सेवी होता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जमुई जिले के झाझा बस स्टैंड के रहने वाले संजय माथुरी को बिहार सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन के लाइसेंस देकर एक नेक काम किया है। आपको बताते चले, जिले की तेज तर्रार महिला SDM प्रतिभा रानी, सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार का योगदान काफी सराहनीय रहा। संजय माथुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा मकसद समाज की सेवा करना है। आज SDM मैडम ने, सिविल सर्जन ने, ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने जमुई की जनता, झाझा की जनता को सौगात देने का काम किया। अधिकारियों ने जो मुझ पर भरोसा किया उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। संजय माथुरी ने कहा, हमारी कोशिश होगी जिले में झाझा में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाए। उद्देश्य यही है कि हमारे झाझा की जनता, जमुई जिला की जनता कोई भी ऑक्सीजन के बगैर मरे नहीं, मेरा उद्देश्य यही है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन किया था और मैडम SDO से भी निवेदन किया था, और मैं उससे पहले, लाइसेंस मिलने से पहले से भी मैं सेवा करते आ रहा हूँ। अब तो लाइसेंस मिल गया है आप लोगों की कृपा से, इसलिए मैं झाझा की जनता और जम्मू जिला की जनता को ऑक्सीजन के बिना मरने नहीं दूंगा। अच्छा, एक बात और बताइए संजय जी, माने कि ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करेंगे आप? 24 घंटा सेवा रहेगी ना? 24 घंटा सेवा मेरा है, मेरा नंबर है, नंबर पे जो है लोग बोलते हैं। नंबर क्या आपका है, बता दीजिए जनता की सेवा के लिए। 8603450944। जी, ये नंबर पे कॉल करके आपसे ऑक्सीजन की उपलब्धता पूछ सकता है और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकता है। जी, जी। अच्छा, क्या रेट है ऑक्सीजन का? जो सरकार का निर्धारित है तो उसी रेट पे, कोई रेट बेसी नहीं, कोई कम नहीं, कुछ नहीं। जो सरकार का निर्धारित रेट है उसी रेट पे मैं दूंगा। चलिए, अच्छा, जिनके पास खाली सिलेंडर नहीं होगा तो फिर उस जनता को कैसे कह देंगे? उस पीरियड में क्या है कि आपको गारंटी देना पड़ेगा आपको। अच्छा, जी जी जी, गारंटर लाना होगा। गारंटर लाना पड़ेगा आपको, गारंटर दीजिएगा, हम सिलेंडर दे देंगे। ठीक, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। बबलू जी, आज संजय माथुरी जो बस स्टैंड के रहने वाले हैं, उनको सरकार ने लाइसेंस दिया है मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। आपने भी कई बार मांग रखी थी, जैसा कि मुझे जानकारी है, मेरे चैनल पे भी आपने कहा था, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो SDM मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, साथ में सिविल सर्जन महोदय और ड्रग इंस्पेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोरोना काल में ऑक्सीजन सबसे संजीवन बूटी बन गया है। झाझा में कोई भी अधिकृत डीलर नहीं था, जिसके लिए झाझा बहुत परेशानी में था। हम लोग काफी मेहनत करके, जिला से बोल करके, आज हमारे संजय माथुरी जी अधिकृत डीलर बन गए हैं। अब झाझा में किन्हीं को भी ऑक्सीजन की जरूरत हो, वो हमारे संजय माथुरी जी से संपर्क करके इस कमी को दूर कर सकते हैं, और झाझा के लिए ये बहुत बड़ा वरदान हुआ। इसके लिए पुनः SDM मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अपने संगठन के तरफ से तमाम झाझावासी को ये विश्वास दिलाते हैं कि अब ऑक्सीजन के बिना झाझा का कोई बीमारी नहीं मरेगा। मैं माननीय SDO मैडम प्रतिभा रानी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, ट्रक इंस्पेक्टर, हमारे सिविल सर्जन, हमारे यहाँ के तेज तर्रार जावाज पत्रकार भाई, बड़े भाई समान वीरेंद्र जी को, जिनके अथक प्रयास से आज संजय माथुरी जी को
लाइसेंस मिल गया है ऑक्सीजन का, अब वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। और इससे क्या होगा ना कि अब झाझा के क्षेत्र से सहित जम्मू जिला को ऑक्सीजन का कोई परेशानी नहीं होगा और निश्चित रूप से सुलभ तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं तमाम आला अधिकारी को अपनी ओर से, नवयुवक संघ की ओर से, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिनके अथक प्रयास से या सुनहरा कार्य संभव हुआ। और हमें लगता है कि अब गरीब गुरुओं को ऑक्सीजन के लिए अब दूर दूर नहीं भटकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद संजय मात्री जी को, लाइसेंस मिल चुका है ऑक्सीजन का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।